कैमूर जिले के अधौरा थाना क्षेत्र के बंदा गांव के पास जंगल में बकरी चराने गई नाबालिग लड़की की 10 अगस्त को हुई हत्याकांड का कैमूर पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस को छात्रा से दुष्कर्म का साक्ष्य छुपाने के लिए हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में भी सफलता मिली है। हत्यारे के पास से हत्या में प्रयुक्त की गई कुल्हाड़ी और लड़की का मोबाइल बरामद हुआ है। इस हत्याकांड का कैमूर SP राकेश कुमार ने शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता कर खुलासा किया है। SP ने बताया कि जिले के अधौरा थाना क्षेत्र के बंदा गांव के पास गैखनिया जंगल में बकरी चराने के लिए नाबालिग लड़की 10 अगस्त को गई थी, वहीं पुरुष की हत्या हो गई थी। इस हत्या मामले में पुलिस द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर पता चला कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के बाद आरोपी द्वारा साक्ष्य छुपाने के लिए कुल्हाड़ी से काट कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। 10 तारीख को अधौरा में एक बच्ची की डेड बॉडी मिली थी, बंधा गांव है उसके पास जंगल के एरिया में, और हम लोगों ने उसमें अधौरा में केस दर्ज किया था हत्या के केस में, और उसको हम लोग SIT की टीम के माध्यम से इन्वेस्टिगेट करा रहे थे, जिसमें SIT में जो SDPO भगवान है सुनीता कुमारी वो थी, TIU की टीम थी और जो थाना अध्यक्ष हैं अधौरा के वो भी थे। इसके अलावा हम लोगों ने इसमें डॉग स्क्वाड की भी मदद ली, चूँकि मामला संवेदनशील था। पटना से FSL की टीम भी आई, उनके द्वारा भी PO का विजिट किया गया, और इसके अतिरिक्त जो टावर डंप एनालिसिस है या CDR एनालिसिस है वो भी हम लोगों ने की। और चूंकि घटनास्थल ऐसा था जो 3 गांवों के बीच का एरिया पड़ता था, तो उन तीनों ही गांवों के लगभग 42 लोगों से भी हम लोगों ने पूछताछ की, और इसी सभी आधार पर हम लोगों ने एक व्यक्ति हैं जिनका नाम उमेश है, जो अधौरा के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया है, जिनको अभी हम लोग गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। और इस घटना के पीछे जो मूल वजह हम लोग को सामने आई है वो आई है कि उस बच्ची के साथ में घटना के दौरान गलत कार्य किया गया, चूँकि उसकी पहचान खुल नहीं जाए और वो आगे चल के कहीं कंप्लेन नहीं कर दे, और इसलिए साक्ष को छिपाने के लिए उसकी हत्या कर कुल्हाड़ी से काट लोग उसमें पूछताछ उनसे कर रहे हैं, चूँकि अभी हम लोग पास में समय है, अभी हम लोग उसमें और पूछताछ कर रहे हैं, फिर इनको हम लोग जो है आगे चल के दोबारा भी माननीय न्यायालय से जा सके रिमांड पर लेंगे, साक्ष संग्रहित करेंगे, पूछताछ करेंगे और उसमें DNA सैंपलिंग भी करवाई जाएगी।